सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटमैन कंटेंजेंसी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे बैटमैन ने बनाया था इन केस अगर कोई सुपर हीरो अनकंट्रोल हो जाए या अर्थ के लिए खतरा बन जाए तो उसे रोका जा सके, जिसमें हम जस्टिस लीग के हर मेंबर को कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। इस लिस्ट में नंबर वन पर है सुपरमैन, और क्योंकि हमें पता है जस्टिस लीग में सबसे पावरफुल सुपरमैन ही है। इसके लिए सुपरमैन ने खुद एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा बैटमैन को दिया था, जिसके यूज से उसे रोका जा सकता है। सेकंड, द मार्शियन मैन हंटर, जो कि मार्स से है, जिसे हम जस्टिस लीग का हार्ट और सोल भी कह सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ और स्पीड लीग के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि इसकी कमजोरी फायर है, पर डिफेंसिव मोड में उसको यूज करना बहुत मुश्किल है। पर अगर नैनाइट्स के जरिए इसकी स्किन को मैग्नीशियम से कवर कर दे तो हवा के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाएगी, जिससे इसे हराया जा सकता है। थर्ड, ग्रीन लैंटर्न। जैसा कि हमें पता है, ग्रीन लैंटर्न की रिंग यूनिवर्स की सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है, और उस रिंग को लैंटर्न के मौत के बाद ही अलग किया जा सकता है। और अगर रिंग की बात करें तो वो लैंटर्न को डायरेक्ट अटैक से बचाती है, पर रिंग का यूज करने के लिए लैंटर्न को अटैक खुद भी देखना पड़ता है। तो अगर लैंटर्न को ब्लाइंड कर दिया जाए तो रिंग उस टाइम कुछ नहीं कर पाएगी, और ऐसे ग्रीन लैंटर्न को हराया जा सकता है। फोर्थ, प्लास्टिक मैन। अगर आपको इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक मैन अपनी बॉडी को किसी भी शेप में चेंज कर सकता है, और इसको रोकने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जा सकता है। फिफ्थ, वंडर वुमन। एक फेज के दौरान वंडर वुमन के अंदर नैनाइट्स इंजेक्ट कर दिया गया था, जो समय आने पर उसे एक वर्चुअल रियलिटी बैटल में फंसा देगी, और उसका कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड उसे थका देगा, जिससे उसे हराया जा सकता है। सिक्स, फ्लैश। फ्लैश को हराने के लिए बैटमैन ने एक वाइब्रा बुलेट बनाई है, जो उसे पैरालाइज कर देगी और उससे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। सेवंथ, साइबॉग। इसको हराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जा सकता है, और जैसा कि हमें पता है, ईएम वेव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब कर देती है, और साइबॉग की बॉडी उसी टेक्नोलॉजी से बने होने के कारण उसे ईएम वेव से हराया जा सकता है। एट्थ, एक्वामैन। जैसा कि हमें पता है, एक्वामैन पानी के बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, पर कॉमिक्स में उसे कुछ टाइम के लिए पानी में जाना पड़ता था, पर अगर उसे हाइड्रोफोबिया फियर टॉक्सिन दे दिया जाए तो वो उससे दूर भागेगा, जिससे उसे हराया जा सकता है। नाइन्थ, बैटमैन। बैटमैन के अगर सारे गैजेट्स ले लिए जाए तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा, और बैटमैन के फ्रेंड और फैमिली को बंदी बनाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करके पीछे से अटैक किया जा सकता है। तो इस तरह बैटमैन को हराया जा सकता है। सो गाइस, ये थे सारे प्लान जिसे बैटमैन ने बनाया था जस्टिस लीग के मेंबर को डिफीट करने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।